क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट और इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर इफ इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। बच्चों ध्यान दें, टोटल जर्नी 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर की है, 600 किलोमीटर और मौसम ख़राब होने की वजह से स्पीड को 200 किलोमीटर पर आर कम कर दिया गया है, तो पहुंचने में 30 मिनट ज़्यादा लगता है। आपसे पूछा गया है ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट को जाने में कितना समय लगेगा। बच्चों यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं 32 का और वाला पार्ट। बच्चों यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट यूजुअल स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर। जो जहाज की यूजुअल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड पे जाता है, वो एक्स किलोमीटर पर आवर है। बच्चों ध्यान दें, आपसे बोला गया है कि टाइम को 30 मिनट ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर जब स्पीड हम 200 कम कर देते हैं। देखिए ख़राब मौसम है तो रिड्यूस्ड स्पीड ये है 200 कम कर दी जाती, यानी से एक्स माइनस 200 किलोमीटर पर आर, ये स्पीड कम होने के बाद नॉर्मल स्पीड एक्स थी आपकी। टोटल डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है बच्चों 600 किलोमीटर। अब आप ध्यान दें, आपसे बोला गया है, देखिए जब आप स्पीड कम कर देंगे तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यूजुअल क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 600 और स्पीड है x। बच्चों ध्यान दें, अगर आप स्पीड कम करके जा रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लगेगा, और यूजुअल स्पीड आपकी एक्स रहती है तो टाइम लगता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 600 अपॉन एक्स। अब दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 30 मिनट का। 30 मिनट का मतलब हम इसको 30 अपॉन 60 आर भी कर सकते हैं, मिनट से हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। बच्चों 600 कॉमन ले लें और फिर एलसीएम लें, एक्स माइनस 200 और एक्स, तो ये यहाँ पर आएगा माइनस, ये यहाँ आएगा, साइन चेंज होंगे माइनस की वजह से, तो माइनस 200 इसकी वजह से प्लस का 200, एक्स प्लस का था माइनस का हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इधर 1/2 हो गया। बच्चों ये हो गया 6 2 12 2 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 24 और 2 0 4 0 इज इक्वल, मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 200 एक्स। बच्चों सबको एक साइड ले लो तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस 24 और 4 0 इज इक्वल 0। बच्चों आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 200 आए, तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे 600 और 400, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 600 एक्स प्लस 400 एक्स माइनस 24 और 4 टाइम 0।
माइनस करेंगे 200 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24 टाइम 0। बच्चों यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 600 बचेगा, और प्लस का 400 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 600। बच्चों ध्यान दें, x माइनस 600 कॉमन, रिमेन x प्लस 400। आप लिखेंगे इफ x प्लस 400 इज इक्वल 0, यहाँ से मिलेगा माइनस 400 और इसको करेंगे नेगलेक्ट। दूसरा केस, इफ x माइनस 600 इज इक्वल 0, तो यहाँ से x आएगा 600 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये यूजुअल स्पीड आ गई। अब ध्यान दें, आपको ड्यूरेशन निकालना था टाइम, तो यूजुअल जो टाइम लग रहा था इस फ्लाइट को वो था टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 600 निकली है तो ये आएगा 1 आवर। ये आंसर हो गया आपका। इसका मतलब जो नॉर्मल टाइम था यूजुअल वो कितना लगता है, 1 घंटे की फ्लाइट होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 33। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पर बात हम लोग करने वाले हैं BPT थ्योरम की। Using the above theorem, prove that a line through the point of intersection of diagonals and parallel to the base of trapezium divides the non-parallel sides in same ratio. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 33। बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं। देखिए आपसे बोला गया है एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पर पॉइंट हमने D और E ले लिया है। आपको प्रूव करना है, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, तो आपको गिवन है अ ट्रायंगल ABC। बच्चों आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है पैरेलल लाइन DE पैरेलल है BC के, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, बच्चों यहाँ पर आपको प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रूफ। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन करना होगा, BE को हमने ज्वाइन करा दिया और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, नाम इसको L दे दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ADE की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बच्चों कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट होगा। हाफ बेस AD है और हाइट EL, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। और इसी तरह से एरिया DBE, एरिया ट्रायंगल DBE बच्चों ये कितना होगा, हाफ, यहाँ पर हम बेस DB ले रहे हैं क्योंकि DB हमें प्रूविंग मिलाना है। हाइट बच्चों यही लेंगे EL। हाइट EL क्यों लेंगे,
क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग ई से ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ट्रायंगल के बाहर ही आएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से ट्रायंगल है। तो इसी परपेंडिकुलर को हम इस ट्रायंगल की हाइट लेके चलेंगे। बच्चों दोनों को आप डिवाइड कर दें तो 1/2, बच्चों यहाँ पर मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल हाफ ए डी और ई एल हाफ डी बी और ई एल, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ई एल कैंसिल हो गया, देयरफोर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, बच्चों ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी। इसको हमने नंबर 3 बना लिया। बच्चों ध्यान दें, एरिया, हाँ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कराएंगे और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दिया M। फिर से यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे जो अभी हम लोगों ने किया। बच्चों एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे, बेस ये लेंगे, हाइट ये लेंगे, और जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो बेस इसी लेंगे और हाइट वही इस्तेमाल करेंगे। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो ये आ जाएगा हाफ ए ई इंटू डी एम, नंबर 4। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी तो लेंगे हाफ बेस ई सी और हाइट डी एम। बच्चों यहाँ पे भी दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4/5। बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इज इक्वल हाफ ए ई और डी एम अपॉन हाफ ई सी और डी एम, कैंसिल हो गया हाफ ऑफ डी एम। बच्चों यहाँ से आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ये हो गया नंबर 6। बच्चों ध्यान दें, आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे ट्रायंगल बनते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम बेस डी ई मान लें तो एक ट्रायंगल बी डी ई बन रहा है और एक सी डी ई बन रहा है, दोनों का बेस सेम डी ई है। दो ट्रायंगल अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं और उनका एक ही बेस होता है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। इस थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे सिंस ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस डी ई एंड बी सी, बी सी
देयरफोर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये 7 नंबर डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर ECD लिखा है तो ECD की जगह हम DBE लिख सकते हैं। तो बच्चों ये चेंज हो के आ जाएगा देन फ्रॉम 6 एंड 7। बच्चों ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल AE अपॉन EC। हो गया नंबर 8। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें नंबर 3, यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 3 ADE और DBE का रेशियो AD अपॉन DB है और यही रेशियो यहाँ पर भी है जो कि AE अपॉन EC के इक्वल है। तो फ्रॉम 3 एंड 8, फ्रॉम 3 एंड 8 बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। यही आपको प्रूव करना था। अब बच्चों आपसे कह रहा इसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए अगला पार्ट प्रूव करें। बच्चों यहाँ पर आपने BPT या थेल्स थ्योरम देखी और ये थ्योरम आप थ्योरम जो प्लेलिस्ट है उसमें भी देख सकते हैं। अब इसी को यूज करते हुए आपसे कह रहा है प्रूव लाइन थ्रू पेयर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स एंड पैरेलल टू बेस ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स नॉन पैरेलल साइड्स इन सेम रेशियो। बच्चों यहाँ पर इस तरह से ट्रेपेजियम है और ये है ABCD एक ट्रेपेजियम और इसको हमने ज्वाइन करा दिया है। ये पॉइंट आपका G है और ये EF। तो यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है तो गिवन में लिख लें पहले। तो गिवन में है थ्योरम बीपीटी थ्योरम, ठीक है। और टू प्रूव में क्या है तो आप लिखेंगे DE अपॉन EA इज इक्वल CF अपॉन FB। तो प्रूफ करते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया AC को ज्वाइन कराया इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। बच्चों आप क्या लिखोगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइन और ये पैरेलल लाइन है भाई। DC पैरेलल AB के बोला गया है, ट्रेपेजियम है। GF AB के पैरेलल है, ये भी आपसे बोला गया कि पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ABC सिंस GF पैरेलल है AB के देन बाई BPT, देन बाई BPT थ्योरम। बच्चों आप लिखोगे CG अपॉन GA इज इक्वल CF अपॉन FB। इसको हम 1 डाल के छोड़ देंगे। बच्चों अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ADC की, इन ट्रायंगल ADC। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस EG पैरेलल
डीसी, ईजी पैरेलल डीसी है, ये भी गिवन है। देन बाय बीपीटी थ्योरम आप क्या लिखेंगे, एजी अपॉन जीसी इज इक्वल एई अपॉन ईडी। बच्चों इसको रेसिप्रोकल कर लें, पलट के लिख लें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीजी या जीसी अपॉन उल्टा जीए इज इक्वल डीई अपॉन ईए। इसको नंबर वन डाल दिया। बच्चों ध्यान दें, फर्स्ट और सेकंड की एलएचएस इक्वल है, ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड, बच्चों ये आ जाएगा डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल सी एफ अपॉन एफ बी। बच्चों यही आपको प्रूव करना था, ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 33। बच्चों ध्यान से इन वीडियोस को देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें आपको आसान लगेंगी।